Good morning, student. Today I am here to teach you Sanskrit for class 7. And today I teach you from beginning. It is a revision class, but I teach you about word, the word meaning. You can see word meaning. This is in a chapter. The masculine word, some word are masculine, some word are feminine, and some word are neutral gender. So that's meaning. What is the meaning of that word? So here we written in your book also, and I write here also. I written the in your blackboard. So you see, and not could you make any spelling mistake. This is the main thing in this chapter. इसके यही प्रश्न ही रहते हैं. The question about this chapter, first chapter 1 to 3, only चित्र बनाने. वो चित्र बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो. अपने चित्र बने हुए हैं और उनके नाम लिखे हैं in Sanskrit written in your book. And the question, question will come. We write down this word if in the question, then the question will write down the meaning in English of this word. And if they are written in question paper in English, the word, then there will be question that write down the meaning of this word in Sanskrit. तो इससे इसके और इससे इसके आपको ऐसे दो टाइप के प्रश्न आपको तैयार करने, और दोनों के स्पेलिंग सही होने चाहिए. और खास के संस्कृत के स्पेलिंग तो बिल्कुल सही. अनंत जो है, कौन से स्थान है, महाविशर है, तो ये आप लोगों को जरूरी जानना है. व्हाई यू आर लर्निंग संस्कृत ना, सो संस्कृत के अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगे तो उसके मीनिंग मिस्टेक हो जाएंगे. और वो मीनिंग ना भी मिस्टेक हो तो वर्ड वर्ड नहीं होगा. मीन्स एक पद बनता है जब उसमें सही विभक्ति और सही कारक का प्रयोग होता है, तभी वो सही वर्ड बनता है. अन्यथा वो वर्ड नहीं रह जाता. विभक्ति रहित पद होते हैं, वो पद नहीं माने जाते, उनके मीनिंग सही नहीं लग पाते हैं. जब विभक्ति आप जोड़ोगे तो उनके कंदुकेन, अभी आपको लिखना है कंदुकेन, तो आपने विभक्ति जोड़ दी थी, दिया विभक्ति, तो उसका अर्थ हो गया विथ वॉल कंदुका, तो कंदुकम टू वॉल. तो ऐसे आप अगर नहीं लिखोगे गलत हो जाएंगे, तो दैट इज द रॉन्ग कदम. तो यह अलग है, तो ये हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल जेंडर का वर्ड है कंकदम. और अगर ये कंकदम आप लिख दोगे मॉडिफिक करके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर में है कंकदम वर्ड न्यूट्रल जेंडर का है, और आप उसको पुलिंग बना दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. और अगर सूचिका है, आप इसको सूचिका लिख दिए, सूचिकम लिख दिए, तो दैट इज रॉन्ग वर्ड. सूचिका इज स्त्रीलिंग वर्ड, फेमिनिन वर्ड. Learn properly the word. Understood? So let's start. See in your book, I am written here. See in your book. First word is Ashandar. These are the masculine words in your book. Written Ashandar se jo hai dant deepa tak jitne bhi you should aap see in your book and keep attention. What I am saying and what is written in your book, because the, you can see there that from Asandha to Dandadipaha, the all word you can see with visarga. There put visarga. In all word you can see with the word is with visarga, not with halant word. So these all are the masculine word. These all are the pulling word. Pulling शब्द है ये सब, जिसमें विसर्ग लगे रहेंगे. ये सिंपल वे है, आप लोग समझ लो कि जिस शब्द में विसर्ग आप देखोगे, सभी में विसर्ग है. If you see in your book, तो ये सारे हो गए मस्कुलिन, ये सारे हो गए पुलिंग वर्ड. और यहाँ के बाद आप देखोगे आकार है,
सभी में आकार आपको दिख रहा है, कुला जप माला सूची का। बस तीन इधर है, सम्मार्जनी, योजनी और निश्रेणी। ये इकारांत वर्ड है, इकारांत स्त्रीलिंग है, बट ये सारे आकारांत वर्ड जितने भी होते हैं वो सभी फेमिनिन वर्ड होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें विसर्ग नहीं आता है और आकारांत होता है। इसे सिंपल टू रिकॉग्नाइज यू मस्कुलिन एंड फेमिनिन एंड ऑल्सो न्यूट्रल जेंडर यू रिकॉग्नाइज वेल एंड रिकॉग्नाइज इजिली बिकॉज हियर इन यू कैन सी इन ऑल वर्ड इन न्यूट्रल जेंडर यू कैन सी हियर पुट द म अलंत। म अलंत वेर यू कैन यू सी द म अलंत यू राइट डाउन दिस वर्ड इज न्यूट्रल जेंडर एंड वेर यू सी द आकारांत वर्ड एंड इकारांत दिस टाइप ऑफ थ्री वर्ड इफ यू सी यू कैन राइट विदाउट फेल इट इज फेमिनिन वर्ड स्त्रीलिंग वर्ड एंड वेर यू सी द विसर्ग इन वर्ड देन यू राइट इजिली दैट इट इज मस्कुलिन वर्ड पुल्लिंग वर्ड। तो ये तीन बात समझ आई, जहाँ विसर्ग आप देखोगे उसको आप लिख देना मस्कुलिन वर्ड पुल्लिंग वर्ड, और जहाँ आकारांत देखोगे या इकारांत में यहाँ तीन वर्ड दिए हैं तो ये आप लिख देना स्त्रीलिंग फेमिनिन वर्ड, और जहाँ कहीं भी आप देखो म अलंत लिखा है किसी भी वर्ड में, यहाँ सारे वर्ड में है म अलंत दैट इज न्यूट्रल जेंडर, वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं ऐसे सारे वर्ड। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसका भी प्रॉपर ध्यान रखना है। तो पहला वर्ड है आसंदर, आसंदर मीन्स चेयर, सी एच ए आई आर, और आसंदर में न द हलन संयुक्त है और विसर्ग है। स्यूतः, स्यूतः रवल अक्षर है, दंत स्वर से बोलते हैं और विसर्ग है और इसका मीनिंग है बैग। तो ये हो गया पुलिंग के वर्ड। पत्र खाना, पत्र त्र त में ऐसे नीचे से लगा देते हैं, त्र तो आसान है, तो पेपर वेट इसको पत्र भार जो पत्र को दबाने के लिए पेपर वेट। और समीकरण, समीकरण आयरन, भ्रमण हासन, भ में ऐसे लगा दिए प्र के जैसा तो भ्र हो गया भ्रमण, अण भाषा ये वाला क वाला ध्वनि स्वर से बोलते हैं मीन्स मोबाइल। तो आप भ्रमण भाषा देखोगे तो हो सकता है मोबाइल आपके लिए इजी हो, क्योंकि भ्रमण मतलब घूमना, घूमते हुए बातें करना, तो इसका मीनिंग आप जल्दी समझ जाओगे मोबाइल एम ओ बी आई एल डी। बट इफ देर इट इन मोबाइल एंड क्वेश्चन विल कम दैट यू राइट द संस्कृत वर्ड ऑफ इट मोबाइल वर्ड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग मोबाइल का संस्कृत क्या होता है, वॉट इज द संस्कृत ऑफ मोबाइल, देन इफ यू लर्न प्रॉपरली द वर्ड यू राइट इट इन वन सेकेंड। तो भ्रमण भाषा द स्पेलिंग इज मस्ट यू लर्न भ्र म अण भा शर मूर्धन्य श और उसमें विसर्ग। भ्रमण भाषम नहीं, ये नपुंसक लिंग का वर्ड नहीं है, ये है पुलिंग वर्ड। सो ये तो आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, तो इसीलिए भ्रमण भाषण लिखना इस तरह से। सही आंसर लिखने से जो एग्जामिनर होते हैं जो कॉपी जांच करते हैं उनकी भी मन, उनका मन भी खुश होता है, तो कितने कितना अच्छा बच्चा है अच्छे से क्लियर लिखा और क्लियर। तो कोई भी रिमार्क उसमें आपको बैड डिमांड नहीं मिलता है। पर्वत माउंटेन एंड इफ रिटन माउंटेन एंड क्वेश्चन विल कम दैट राइट द संस्कृत वर्ड राइट द पर्वत। पर्यंक वेट, पर्यंक मीन्स वेट। कटर मैट, कटर मैट। पादप ट्री, पादप ट्री, पादप मीन्स ट्री। चषक ग्लास, चषक ग्लास। तो कौन सा है स और विसर्ग है या हलंत है ये आप अगर
चार बार पढ़ोगे, दस बार पढ़ोगे। देखिए हर स्टूडेंट की अलग अलग ये होती है, कैपेसिटी होती है। कुछ भगवान की तरफ से हमें मिलता है और कुछ मुझे खुद इसको बढ़ाना पड़ता है अपनी कैपेसिटी को और अपनी समझ को। तो किसी को दो बार में ही याद हो जाता है, किसी को चार बार में, तो किसी को दस बार में याद होता है। तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि इसको दस बार में याद हुआ तो गलत है। याद करने से मतलब है यू हैव लर्न। हो गया तो हो गया, उसे हो गया दो मिनट में तो हो गया, दो बार में हो गया तो हो गया, हम दस बार में करेंगे पर हम सीख जाएंगे। सो यू लर्न एंड यू ट्राई अगेन एंड अगेन, यू रीड अगेन एंड अगेन एंड यू लर्न अगेन एंड अगेन एंड यू राइट डाउन दिस वर्ड। आफ्टर लर्निंग यू राइट डाउन इन योर पेज इन योर रफ बुक फर्स्ट संस्कृत टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू संस्कृत विदाउट सीइंग। एंड इफ यू नॉट इफ यू मिस्टेकन देयर इफ यू मिस्टेक देयर टू वर्ड, मान लो कि दो वर्ड गलत हो गए तो दो वर्ड को फाइव टाइम्स फिर देख देख के लिख लेंगे, फिर बोल लेंगे और फिर वो भी लर्न हो जाएगा। तो दिस इज द ट्रिक ऑफ लर्निंग। एंड पर्यंका मीन्स वेट, पर्यंका का स्पेलिंग देखो क य ऊपर ले और अंगा और क में संयुक्त है और चल पर्यंका। अगर अंगा वाला आपको नहीं लिखना तो ऐसे ही चाहिए संस्कृत में, इफ यू फील हार्ड देन यू पुट द प्लेस ऑफ अंगा द ईयर, यहाँ के ऊपर बिंदु दे सकते हो। कटा मीन्स मैट, पादप ट्री एंड ट्री पादप, दोनों तरफ से याद करना है। एक बार इधर का रख के इधर से बोल लिखना है पढ़ना है और एक बार इधर का रख के इधर से बोलना पढ़ना है। चशका ग्लास, चशका मीन्स ग्लास। दिस ऑल आर यू कैन सी द वर्ड विच वी सर्व एंड दिस इज द मस्कुलिन वर्ड द पुलिंग वर्ड पंचुका एंड द रिवर इज ऑल्सो हियर मस्कुलिन वर्ड सो आई हियर पुट द लाइन एंड फ्रॉम हियर इट इज फेमिनिन वर्ड पंचुका बॉल दंड दीपा ट्यूबलाइट दंड दीपा ट्यूबलाइट पंचुका बॉल नौका बोट रंध्रिका पंच। ये सभी यहाँ से स्टार्ट हो गए स्त्रीलिंग फेमिनिन वर्ड। मापिका रूलर पत्र पेटिका पोस्ट बॉक्स। राइट यू पहले पढ़ लो फिर लिख लो या पढ़ते पढ़ते लिखो क्योंकि इन योर बुक ओनली देयर द पिक्चर एंड द संस्कृत वर्ड नॉट देयर द इंग्लिश वर्ड। तो उसको क्या बोलते हैं संस्कृत को यू कांट अंडरस्टैंड सो आई रिटेन हियर द मीनिंग इन इंग्लिश। वृक्ष शायिका स्क्वायरल, वृक्ष शायिका वृक्ष पेस होता है ना स्क्वायरल तो वृक्ष शायिका स्क्वायरल। अग्नि पेटिका मैच बॉक्स, माचिस होता है अग्नि उसे जलाते हैं अग्नि पेटिका मैच बॉक्स। सूचिका निडल सुई होती है जिससे हम लोग सिलाई करते हैं सूचिका निडल। जप माला रोजरी जप माला जिसमें जप पाले जो माला होते हैं सारे उनके। तुला स्केल तराजू होता है स्केल बोलते हैं उसे। सम्मार्जनी योजनी एंड निश्रेणी इज ऑल्सो हियर द स्त्रीलिंग वर्ड फेमिनिन वर्ड। सम्मार्जनी ब्रूम योजनी स्टेपलर निश्रेणी लैडर। एंड हियर फ्रॉम युक्तकम द वर्ड केम न्यूट्रल जेंडर एंड ग्रीहम एंड आम्रफलम इज ऑल्सो आई केम हियर। ग्रीहम यू राइट फर्स्ट ग्रीहम मीन्स हाउस घर और आम्रफलम मीनिंग मैंगो। युतकम शर्ट, युतकम शर्ट। अर्गलम स्टॉपर पर्णम लीफ फैन व्यजनम। कंकतम कॉम उपनेत्रम स्पेक्टिकल। संगणकम, संगणकम इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, संगणकम इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन योर बुक एंड इट कम्स इन द एग्जामिनेशन। कंप्यूटर को बोलते हैं बात आए ना विंडो, वाक मीन्स ऐसे ही हवा होता है ना तो हवा आने की जगह है कि
word. All word you write. Archander. C H A I R. Chair. Shooter. B A D. Bat. Patthara. Paper. Weight. Samikara. Iron. Brahman. Pasha. Mobile. Parvata. Mountain. Paryanka. Paya. Upper wave. अंगर उसके नीचे क है और विसर पर्यंकर मीन्स बेड पलंग बोलते हैं ना पलंग वही पर्यंकर बेड पलंग कटह मैट पादपर ट्री चषक ग्लास यहाँ पादपर मीन्स ट्री है और पर्णम मीन्स होता है लीफ कंदुक बॉल दंड दीपक ट्यूबलाइट नौका बोट रंगिका पंच मापिका रूलर पत्र पेटिका पोस्ट बॉक्स पत्र पेटिका पोस्ट बॉक्स वृक्ष शायिका स्क्वायर वृक्ष शायिका स्क्वायर अग्नि पेटिका मैच बॉक्स अग्नि पेटिका मैच बॉक्स सूचिका निडल राइट स्लोली फास्ट यू राइट और बट नॉट मेक मिस्टेक इन स्पेलिंग जप माला रोजरी आरो ऐसे आवाज रोजरी बोलते जप माला तुला स्केल जो तराजू होता है उसे स्केल भी बोलते हैं गृहम हाउस आम्रफलम मैंगो सम्मार्जनी रूम योजनी स्टेपलर मिश्रेणी लैडर यूतकम शर्ट मिश्रेणी का देख लो स्पेलिंग न में ह्रस्व ई का जो पीछे उसे होते हैं ये छोटी ई की मात्रा लगती है ह्रस्व ई बोलते हैं तो ह्रस्व ई का स्र ऐसे करके स्र और एकार और अण उसमें पीछे से और विसर्ग श्रेणी यहाँ विसर्ग है बट दिस इज नॉट द मस्कुलिन वर्ड दिस इज फेमिनिन वर्ड लेटर श्रेणी जिसमें विसर्ग है बट क्या है ई कारांत वर्ड है सो दिस वर्ड इज इन फेमिनिन वर्ड नॉट इन मस्कुलिन विसर्ग देख के मस्कुलिन में मत डाल देना यूतकम कुछ वर्ड याद भी करने होते हैं केवल देख के उतना नहीं लगाया जाता है यूतकम शर्ट अर्गलम स्टॉपर पर्णम लीफ यहाँ पर्णम आया अभी फैन व्यजनम जैसे यहाँ मैंने फैन लिखा उधर व्यजनम लिखा सो दिस टाइम ऑल्सो यू प्रैक्टिस एट होम इन टू संस्कृत इन इंग्लिश इंग्लिश से संस्कृत और संस्कृत टू इंग्लिश दोनों टाइम यू प्रैक्टिस एट होम कंकतम कॉम उपनेत्रम स्पेक्टिकल एस पी ई सी टी ए सी एल ई एस स्पेक्टिकल इसमें पूरा में बोलते हैं एस लगा रहता है क्योंकि दो है ना दो कान उसमें होते हैं और बहुत सारे बच्चे ग्लासेस भी लिखते हैं ग्लासेस जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं बट द सही वर्ड इज द राइट वर्ड इज स्पेक्टिकल्स ये प्लूरल वर्ड होता है क्योंकि आंखें दो हैं चश्मा के दो वो आई होते हैं एंड ग्लास होते हैं संगणकम कंप्यूटर संगणकम कंप्यूटर वातायनम विंडो द्वारम डोर एकम सो तो दीज ऑल वर्ड इन दीज ऑल वर्ड यू कैन सी दैट वी कुड हियर म अलंत भी म अलंत दिख रहा है ना सभी वर्ड में तो ये हो गए न्यूट्रल जेंडर के वर्ड इन न्यूट्रल जेंडर यू ऑलवेज सी द वर्ड विथ म अलंत इन न्यूट्रल जेंडर यू कैन ऑलवेज सी द वर्ड विथ म अलंत एंड इन फेमिनिन वर्ड यू कैन सी द वर्ड विथ आकारांत ज़्यादातर मोस्टली जो होते हैं आकारांत वाले होते हैं ये फेमिनिन वर्ड हो गए एकदम जल्दी से आपने बोल दिया कुछ वर्ड हैं इकारांत हैं कुछ उकारांत भी हैं बट
it there are shadow, but it is not masculine. So you learn with this word in a feminine word. So ऐसे याद भी करनी चाहिए. कंजुगल बॉल दंड दीपक ट्यूब लाइट. यहाँ आप देख सकते हो कि ऑल वर्ड इन ऑल वर्ड हियर द विशद विशद इज हियर इन ऑल वर्ड ऑल मस्कुलिन वर्ड. आनंद चेयर स्यूटर बैग पत्रहारा पेपर वेट समीकरण आयरन भ्रमण भाषा मोबाइल पर्वतक माउंटेन पर्यंकर कटर मैन पादक ट्री चषक ग्लास. तो इस तरह से ये चित्र प्रणाली के जो है तीन चैप्टर हैं आप लोगों के बुक में. आई सॉ कि तीन चैप्टर दिए हैं चित्र प्रणाली वन चित्र प्रणाली टू एंड चित्र प्रणाली थ्री. तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय वर्ड and you written these all meanings in English and from Sanskrit. And how you practice? Two types of practice. You at home that एक तो ऐसे संस्कृत वर्ड लिख लेना और फिर बिना देखे इंग्लिश लिख के प्रैक्टिस करना और एक इंग्लिश वर्ड लिख लेना एक पेज में और फिर बिना देखे संस्कृत लिखना. इसके लिए पहले याद करना होगा लर्न करना पहले ऐसे ऐसे करके आसन चेयर छूटा बैग पर तुम्हारा पेपर वेट सही करा आए और उसके बाद ऐसे चेयर आसन बैग छूटा पेपर वेट again and write also more times.